अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं बट का सालन। और हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने हमसे रिक्वेस्ट की थी, बहुत ज़्यादा कुछ दिन से रिक्वेस्ट आ गई थी कि आप हमें बट का सालन बनाने की रेसिपी दें। तो हमने आज इसीलिए बट का सालन बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 1 किलो बट ली है। इसको हमने एक बॉयल दिलाकर पानी इसका फेंक दिया और उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। आप इसकी स्मेल दूर करने के लिए इसको जो खाने वाला चूना होता है वो और सरसों का तेल लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें। उसके बाद आप इसको वॉश कर लें तो बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आएगी। जो एक स्मेल आती है इसकी वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बटे हमारे पास 1 किलो हैं, इनको हमने वॉश कर लिया है बॉयल करने के बाद। और इसके जो मसाले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर नमक लिया है हसबे ज़ायका, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच भर के लिया है, किसी हुई लाल मिर्च हमने ली है 2 चाय के चम्मच, साबुत धनिया यानी कि खुश धनिया 1 चम्मच है, टमाटर 3 है मेरे पास मीडियम साइज़ के कटे हुए, और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज हमने ली है, इनको हमने बिल्कुल बारीक काट लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास 2 खाने के चम्मच। और बाकी के जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मैं कुकर में आज बना रही हूँ इसको, क्योंकि ये बटे जो होती हैं ये ज़रा गलने में टाइम लेती हैं, थोड़ा हार्ड होती हैं, तो इसीलिए हम इसको आज कुकर में बना रहे हैं। ये देखिए प्याज का बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और साथ में हम इसमें खुश्क मसाले सारे डाल देंगे और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब हम इन मसालों को 1-2 मिनट तक ऐसे ही चला लेंगे और भून लेंगे। आप चाहें तो बटे आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, तो बहुत टेस्टी बनती है सरसों के तेल में। और अब हम इसमें पानी डाल देंगे, 3 गिलास तकरीबन मैं इसमें पानी डाल गई हूँ ताकि ये गल जाए। तो अब हम इसको ढक्कन लगाएंगे और इसको 45 मिनट के लिए हम गलने के लिए छोड़ देंगे, और 45 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये 45 मिनट्स लेंगी। और आप अगर पतीली में बना रहे हैं तो उसमें तकरीबन आपको 2.5 घंटे लग जाएंगे इसको पकाने में। ये देखिए 45 मिनट्स हो गए हैं, हमने खोल के चेक किया है और बट हमारी जो है ये गल चुकी हैं बटे। और मसाला भी आप देख सकते हैं इसका भुनने वाला है, 1-2 मिनट इसको और लगेंगे, ऑयल इसका अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है। और अब हम इसके अंदर कसूरी मेथी डाल गए, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है बट के सालन में, तो ये आप ज़रूर डालें इसको, बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी बनती है इससे बटे। अब मैं इसको 5 मिनट तक पकने देती हूँ। पाँच मिनट हो गए देखिए इसको पकते हुए। अब हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, 8 से 10 अदद हमारे पास हरी मिर्चें हैं, ये हम डाल देंगे। और साथ ही में हम इसमें बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। इसको बस हम अब 2 से 3 मिनट पका लेते हैं और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये हमारे जो मिर्च और अदरक का इसका फ्लेवर इसमें आ जाएगा, तो उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बट का सालन तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।